जो गीत आप लोगों के बीच में जा रही है वो हमारे हरिओम म्यूजिक चैनल आजमगढ़ से हमारे बड़े भाई आदरणीय अभिमन्यु यादव जी के देखरेख में, आज के हमारे रिकॉर्डिंग कैमरामैन श्री राजन यादव जी, दया यादव जी और तमाम हमारे साथी इस म्यूजिक की ओर से हैं। साथ ही साथ हमारे पार्टी के तमाम सदस्य हैं। सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद कहते हुए, आज चुनाव का दौर है, भारत का आम चुनाव है। आम चुनाव में तमाम नेता हैं, तमाम पार्टियां हैं, लेकिन मेरे साथी मैं आपसे बात करता हूं महागठबंधन की। महागठबंधन की बात कर रहा हूं, जिस गठबंधन में हमारे राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी हैं और साथ ही साथ हमारे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय माननीय बहन सुश्री मायावती, जिनका चुनाव निशान हाथी है। ए हमारे भाई, जहां जहां बहुजन के समर्थित प्रत्याशी हैं वहां आपको हाथी चुनाव निशान की बटन दबानी है। और साथ ही साथ हमारे बहुत बड़ी बातें हैं मेरे साथी, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, नौजवान दिलों की धड़कन, आदरणीय पूजनीय हमारे आप लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी, आपका चुनाव निशान साइकिल है, हम सभी का चुनाव निशान साइकिल है। हम समाजवादी पार्टी के संरक्षक परम पूजनीय पिताजी आदरणीय माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। और यह कार्यक्रम जो आप लोगों के बीच में जा रहा है, सौजन्य से माध्यम से हमारे सम्मानित नेतागण प्रधान जी लोग बैठे हुए हैं और हम आजमगढ़ से आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपको जिताने के लिए, आपके समर्थन में हमारे समाजवादी पार्टी के नेता जो हमारे बीच में हमारे सामने बैठे हैं, बड़े प्यार से सुन रहे हैं। विधानसभा सगड़ी लोकसभा सदर आजमगढ़ से आदरणीय श्री जयराम सिंह पटेल जी। जयराम सिंह पटेल जी हमारे सामने बैठे हैं। आप प्रस्तावक हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के। और साथ ही साथ हमारे मिर्जा मसूद बेग साहब सामने बैठे हैं, आप महासचिव सगड़ी विधानसभा। और हमारे साथ साथ आदरणीय प्रधान जी श्री उमेश चंद यादव जी जोनल प्रभारी हाजीपुर आजमगढ़, और ब्रजेश यादव जी सेक्टर प्रभारी बेलकुंडा आजमगढ़, और आदरणीय आरिफ अहमद सेक्टर प्रभारी हाजीपुर, और हमारे गोपालपुर के वर्तमान विधायक आदरणीय श्री नफीस अहमद साहब, तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। जिला अध्यक्ष आदरणीय हवलदार यादव जी, आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए कह रहा हूँ। और जनता से मेरी अपील है, गीत के माध्यम से ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी, अखिलेश यादव जी हैं कैसे, लोग कह रहे हैं क्या, पूरे देश के लोग कह रहे हैं क्या, अरे अखिलेश, ए भैया अखिलेश, ए बाबू अखिलेश, नेता महान शान, जे सवा करे हमारे अखिलेश, नेता महान शान, जे सवा करे हमारे, यहाँ बात है बेटा, अरे अखिलेश, नेता महान शान, जे सवा करे हमारे, अरे नेता महान शान, जे सवा करे हमारे, तैयार साइकिल, ये भैया साइकिल, तैयार साइकिल, चुनौवा निशान शान, जे सवा करे हमारे, सबके साइकिल। साइकिल 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 साइकिल, पूरे जन जन की चुनाव निशान साइकिल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम सबकी सबका चुनाव निशान साइकिल है मेरे साथी आजमगढ़ से। ये लिए कहना बा, ध्यान दीजिएगा माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री तो काल था, तो हुआ क्या,
हरे यूपी का मुख्यमंत्री अखिलेश राहल सुना ये किसान भाई काव काव दी हलन हरे बतिया के ए भैया बतिया के ए बाबू बतिया के सुना धई ध्यान शान देसवा के हमरे सुना धई ध्यान शान देसवा के हमरे मेरे साथियों हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आखिर किए का ध्यान देने की बात है। तमाम भाजपा के लोग अनाज शराब की बातें करते हैं लेकिन दावा के साथ यह श्याम कुमार यादव कह रहा है आपने देखा है क्या माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो किए हमारे अखिलेश यादव जी ने किया गरा एक सौ प्रेस वे दवाई और पढ़ाई एक सौ आठ एक सौ दू गड़िया चलाई एक सौ आठ एक सौ दो अरे डायल हंड्रेड कयलाना ये भैया डायल हंड्रेड कयलाना शान सवा के हमारे डायल हंड्रेड कयलाना शान सवा के हमारे माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मेरे मित्रों आगरा एक्सप्रेस वे का निर्माण कराए लखनऊ से लेकर आगरा तक। मेरे मित्रों उस पर फाइटर जहाज उतरने का काम किया, सेना के जवानों की जहाजें उतरने का काम करती हैं। हाय अगर तुम भारतीय जनता पार्टी के लोगों में तो एक भी ऐसा रोड बना के दिखा दें। बात करते हैं कि ये गठबंधन नहीं महामिलावट है। आपको सोचना होगा मेरे साथी हमें आपको ये भाजपा के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा इसके बाद भी हम आप अगर नहीं सोच पाए तो आपको समझना होगा। तरह तरह की के नाम हम लोगों का रखा गया, तरह तरह की बातें कही गई, यहाँ तक कि हनुमान कभी जाति बतौल नहीं लोग सोचा। लेकिन हमारे अखिलेश यादव जी ने 108 चलाया जिससे मेरे साथी कहीं कोई चोटिल होता है 108 फ्री में डायल करिए, गाड़ी तुरंत पहुंचेगी, अस्पताल तक पहुंचाएगी, फिर घर ले जाएगी। 102 जो हमारी माताओं बहनों को प्रसव पीड़ा होती है दूर दराज में क्षेत्रों में होती थी और अस्पताल जाने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, माननीय हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह व्यवस्था किया। डायल करिए 102 घर पर गाड़ी जाएगी माताओं बहनों को ला करके अस्पताल में, बेटी और बेटा पैदा हुआ करते हैं मेरे साथी। इतना ना भयल डायल हंड्रेड। जब हमारे गांव में छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़ा हो जाया करता था, थाने पर जाते जाते मेरे साथी तमाम बवाल और बढ़ जाया करते थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर डायल चलाया कि आप 100 नंबर को डायल करिए, 15 मिनट के अंदर पुलिस आपके सामने आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी। भाजपा सरकार के का बतावल जाए प्रदेश सरकार के। ए मनु भैया ये बेला में 100 नंबर के तेलो मांग हो गया है, सोने पर लोग बतियाओ तो हमने ये किया वो किया, बताइए क्या किया, जवाब दीजिए। जनता वो जवाब दे रही है 12 मई को, 23 मई को समझ में आ जाएगा अखिलेश यादव जी ने क्या दिया। ए हमारे भैया हरे लैपटॉप कन्या विद्या धन मिलल भाई, लैपटॉप कन्या विद्या धन मिलल भाई, कितना बेरोजगार रोजगार गईले पाई, कितना बेरोजगार रोजगार गईले पाई। ये भैया समाजवादी, ये बाबू समाजवादी, भैया समाजवादी पेंशन अनुदान शान दे सवा के हमारे, समाजवादी पेंशन अनुदान शान दे सवा के हमारे। हमारे आजमगढ़ के लगभग 7वीं 8वीं बार सदर से विधायक है माननीय आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, मंत्री भी रहे। आपके स्वजन से कहना है मेरे साथियों हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्रित्व काल में लैपटॉप दिए, कन्या विद्या धन मिला बेटियों को, और कितने बेरोजगार मेरे साथी चाहे पुलिस वाले हुए, दरोगा हुए, सिपाही हुए, चपरासी हुए, बाबू हुए,
तमाम लोगों को रोजगार देने का काम मेरे आदरणीय अखिलेश यादव ने किया है। ये तना ना भले हमारे भैया समाजवादी पेंशन के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को मेरे साथी गरीबी दूर करने के लिए उनकी सेवा खर्चा चलाने के लिए व्यवस्था किए थे। आई भाजपा का सरकार वो खत्म कर दे बतावा कहना ये बेचारे की 15 लाख रुपया खाता में एक चवन्नी से भेंट ना भैया 500 पावत रहना लोग वो बंद। इसके बाद भी वोट मांगने कौन आधार से हम का बताए तो उन्होंने समझदार हुआ समझा अब बुझा और का किए अखिलेश यादव जी लोहिया आवास यश भारती दिलवा है लोहिया आवास यश भारती दिलवा है गन्ना किसान पूरा भुगता न पाए गन्ना किसान पूरा ये भैया रोजी रोटी बाबू रोजी रोटी भैया रोजी रोटी पावल जवान शान दे सवा कह हमारे माननीय हमारे नेताजी आदरणीय पूजनीय श्री मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे कि तवा कढ़ाई सस्ती हो तवा कढ़ाई सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, जिसके तहत माननीय अखिलेश यादव जी ने नेताजी ने मेरे साथी अस्पतालों में जो 8 रुपए में पर्चा मिलता था उसको 1 रुपया करने का काम किसी ने किया तो समाजवादी सरकार ने किया है। दवाई सस्ती किए पढ़ाई सस्ती किए हे हमारे भैया तमाम व्यवस्था जी हल गई। एक बात आदरणीय हमारे नेताजी के विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी माननीय अखिलेश यादव जी के विषय में कहना बा कि नेताजी और अखिलेश यादव जी का घर तो सैफई में है लेकिन दिल की धड़कन आजमगढ़ में है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है आजमगढ़ के लिए नेताजी ने और अखिलेश यादव जी ने क्या किया हम बता रहे हैं आपसे क्या। अरे आजमगढ़ विकास वाली गंगा बहाए आजमगढ़ विकास वाली गंगा बहाए आ कमिश्नरी पीजीआई छठिया मील बनवाए कमिश्नरी पीजीआई छठिया मील बनवाए ये भैया काले फिर ये बाबू काले फिर ये भैया काले फिर बिल्डिंग निशान शान के सवा कर हमारे काले फिर बिल्डिंग निशान शान आजमगढ़ की धरती पर मेरे साथी एक एक ईंट पर समाजवादी पार्टी का नाम लिखा है, एक एक ईंट पर माननीय मुलायम सिंह यादव माननीय अखिलेश यादव का नाम लिखा है। ये हमारे भैया चाहे वह कमिश्नरी का मामला हो चाहे पीजीआई का मामला हो जो चक्रपानपुर में है सठियाओं चीनी मिल बंद पड़ी थी हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसको जीवंत किया और आज आधुनिक रूप में गन्ना की पेराई हो रही है। इतना ना भयल कलेक्ट्री कचहरी का कलेक्ट्रेट भवन जहाँ डीएम साहब बैठते हैं इतना बढ़िया महल बनवा करके तैयार अगर किसी ने किया है आजमगढ़ में तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। इतना ना भले हमारे भैया हर तहसीलों में हर ब्लॉकों में सभागार बनवाने का काम उन्होंने किया है, पानी की व्यवस्था किया बिजली की व्यवस्था किया ये हमारे भाई तरह तरह की व्यवस्था किए हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी। आज बीजेपी वाले कहते हैं कि वोट कैसे दिया जाएगा, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जो आजमगढ़ में इतना काम किया है उसको आप वोट कैसे नहीं देंगे। यह श्याम कुमार यादव ऐलान के साथ कहता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के प्रत्याशी अखिलेश यादव जी कई लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, जीत चुके हैं, वोट बाकी है करना बाकी है तो और क्या किए। कहना है भाई साहब कि सौसैया युक्त अस्पताल तरौलिया आ कृषि विश्वविद्यालय महिला अस्पताल भैया आ सरजू नदी अरे सरजू नदी पुल पहचान शान के सवा कर हमारे सरजू नदी पुल पहचान शान माननीय अखिलेश यादव जी ने
सौ से युक्त अस्पताल दिया है जो अतरौलिया में बनकर तैयार है, काम चल रहा है, लोगों की दवा दर्पण हो रही है। इतना ही नहीं, कृषि विश्वविद्यालय जो बेलैसा कोटवा में बन रहा है, माननीय अखिलेश यादव की देन है। और मेरे साथी हमारे देवरांचल में आजमगढ़ से हाजीपुर होते हुए गोला को जोड़ने के लिए, गोला गोरखपुर को जोड़ने के लिए नदी पर, सरयू नदी पर, घाघरा नदी पर बहुत बड़ा सा पुल बनवाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार द्वारा हो रहा है। तो आजमगढ़ के लोगों को सोचना होगा कि हमारे हित में, हमारे हित की बात किसने किया है। आज तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आजमगढ़ का हर एक नौजवान, हर एक युवा, हर एक किसान मन बना लिया है कि हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे गन्ना का भुगतान करते हैं समय से और गन्ना का दाम देते हैं। इसलिए कहना है क्या, हरे आजमगढ़ यादव अखिलेश गठबंधन, आजमगढ़ यादव अखिलेश गठबंधन, आ कई लाख से जीत जाइ है भैया यादू नंदन, कई लाख से जीत जाइ है भैया यादू नंदन। ये बाबू श्याम कुंवर, ये भैया श्याम कुंवर, ये भैया श्याम कुंवर बतियाला मान शान पे सवार कर हमारे, ये बाबू साइकिल चुनौवा निशान शान के सवा कर हमारे। जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, समाजवादी जिंदाबाद, जय साइकिल, साइकिल खान जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी जिंदाबाद, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश।